हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारे सरसीपी टेक्निकल की तरफ से और मेरे टीम की तरफ से आप सभी को नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है सीपीवीसी पाइप का, जो फ्रेंड्स देखिए, मैंने दो स्टेप ओवरटेक ये कैसा काम करता है और आपको कहाँ से लगाना है, किस तरह इसका यूज करना है, इस वीडियो में मैं आगे आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये जो है इसका नाम है स्टेप ओवरटेक बेंड। फ्रेंड्स ये जो है मैंने 3/4 साइज का लिया हूं। इसमें आपको 1 इंच का, 1.25 इंच का, 1.5 इंच का, 2 इंच का, जो भी साइज का आपको लाइन आप ले रहे हो, अगर आपको एक पाइप से दूसरा पाइप को ओवरटेक करता है, बोले तो आपको जैसे कि ये पाइप एक लाइन जा रहा है, अगर आपको और एक पाइप उसका ऊपर ऐसे लेके जाते हैं तो फ्रेंड्स ये पाइप हाइट होता है। और इसके वजह से जो है, हम चाहे बाथरूम का वायरिंग करने दो, चाहे आउटर वर्टिकल होने दो, जहाँ भी हम लाइन कर रहे हैं, तो उसको अगर एक पाइप से दूसरा पाइप ओवरटेक कर ऐसे करता है तो हमको कैसा करना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पर कोई एल्बो लगा के नहीं घुमाना है आपको, सिर्फ आपको एक ओवरटेक पाइप लेना है। आपको अगर पाइप 3/4 साइज का है तो 3/4 का लेना है, अगर आपका 1 इंच का है तो 1 इंच का भी लेना है। फ्रेंड्स इसमें क्या है, ये दो तरफ सॉकेट बना रहता है, आपको कलर टाइप जिसको सॉकेट बोलते हैं, कलर भी बोलते हैं, तो ये दो तरफ बना रहता है, ये पहले से ही बना हुआ है। फ्रेंड्स देखिए, अगर ये 3/4 को हम 3/4 पाइप ओवरटेक करें तो देखिए ये बिल्कुल ऐसे ही रहता है। आपको इसको लगा के फिर आपको ऐसे आगे से कनेक्शन लेके जाना है। आपको सिर्फ सॉल्वेंट लगा के जैसे टी एल्बो को पुश करते हैं तो इसको भी ऐसे ही पुश करना है। और देखिए ऐसे इसको लगा दिया तो ये एक पाइप से दूसरा पाइप ओवरटेक करके जा सकता है। कभी कभार हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, अगर बाथरूम के अंदर हम वायरिंग करते हैं तो उस टाइम में अगर ऐसे ओवरटेक होता है तो आप उसको नीचे से ले सकते हैं, जिसके वजह से आपको दीवार में थोड़ा सा चिपिंग, इतना ही एरिया है, थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। फिर आपको इस तरह का ओवरटेक लगा दिया तो आपको बाथरूम का जो ग्रू आपने बनाया है वो सेम रहेगा, एक ही जगह पे, इस जगह पे जो है ग्रू थोड़ा ज़्यादा आएगा। और फ्रेंड्स कहीं भी दो वर्टिकल लाइन लेके जा रहे हो, चाहे तो कावेरी बोरियल अलग अलग लाइन किचन में जाता रहता है, आपने दो लाइन लेके जा रहे हो, अगर एक ब्रांच से मान लीजिए दो लाइन पास पास है, इधर एक लाइन ऊपर जा रहा है और एक लाइन इधर जा रहा है, अगर ये ब्रांच इधर ही है पॉइंट मिलाने के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ भी ओवरटेक ऐसे करता है, तब भी आपको इसको लगा दिया तो आपको ओवरटेक करके पाइप लाइन जा सकता है, चाहे वर्टिकल में होने दो चाहे वायरिंग में होने दो। फ्रेंड्स ये कभी भी एल्बो लगा के इस तरह का घुमाना नहीं है, तीन तीन चार चार एल्बो लगा के, या 45 शू लगा के उसको भी ऐसे नहीं घुमाना है। आपको सिर्फ एक बैंड लेना है, इसका नाम स्टेप ओवरटेक बैंड। फ्रेंड्स ये आपको हर साइज का मिल जाएगा, कोई भी हार्डवेयर शॉप में ये मेटेरियल जैसे लेते हैं तो आपको ये भी मिलता है। और इस तरह का आपको दो तरफ कलर भी मिलता है, सॉकेट मिलता है, जिसकी वजह से आपको सिर्फ टी एल्बो की तरह पुश करना है और आपको जहाँ भी ओवरटेक होता है तो उस जगह पे आप यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसका बहुत सारी कमेंट था इसलिए मैंने इसको वीडियो बनाना पड़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो फ्रेंड्स एक जरूर करना। आज के लिए इतना ही है।